हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। मैं हूँ मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना अमेजन शॉपिंग हॉल। तो मैंने कुछ चीजें बाय की हैं जो कि फटाफट से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हेयर से रिलेटेड है ये चीजें। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है एक हेयर ड्रायर, जिसका कि मैं सबसे बाद में आपको ये दिखाऊंगी। तो ये हेयर ड्रायर है जो कि मैंने लिया है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, वो है डैंड्रफ का, जो कि मुझे है, मुझे इतना ज्यादा नहीं है लेकिन विनोद को काफी ज्यादा है। तो मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया था एंड ये जो है मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया है एंड ये स्पेशली फॉर डैंड्रफ है। और मैंने इसका काफी जो रिव्यू है अमेजोन पर पढ़ के उसके बाद ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। और इस शैम्पू को आपको जस्ट हफ्ते में एक बार यूज करना है और उसके बाद इसको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आपको पर वीक वन डे यूज करना है, जब तक कि आपका डैंड्रफ ना निकल जाए। तो ये बहुत इफेक्टिव है, फर्स्ट वॉश में ही आपको जो है नजर आ जाएगा इसका जो डिफरेंस है वो। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया था एंड काफी इफेक्टिव है ये। और इसका लिंक, जितने भी प्रोडक्ट है सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसको डाइल्यूट करके ही आपको यूज करना है। और आप इसके रिव्यू वगैरह वो आप अमेजोन पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। मेरे लिए इसने काफी अच्छे से वर्क किया है। तो अगर आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परेशान है और सब कुछ कर चुके हैं तो एक बार इसको यूज करके देख सकते हैं। इसको पानी में डाइल्यूट करके और हफ्ते में एक ही बार आपको इसको यूज करना है। तो बहुत ही अच्छा जो इसका रिजल्ट है वो है। तो ये वाला शैम्पू है। उसके बाद मैंने एक शैम्पू मंगवाया है एंड ये है प्रो इसका लोरियल का है, ये लोरियल एक्सपर्ट का प्रो कैरेटीन, जो कि इंटेंस स्मूथनिंग के लिए है, स्मूथनिंग हेयर्स के लिए है। ये हेयरों जो हेयर्स उसको स्मूथ बनाता है, फ्रिज फ्री करता है, काफी अच्छा है। लोरियल के जितने भी लोरियल एक्सपर्ट के ये है ना, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनको बाय कर सकते हो। तो मैंने ये वाला लिया है जो कि काफी अच्छा मुझे लगा। और इसका मेरे पास पहले भी काफी टाइम पहले भी मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, तो इसलिए लोरियल पे वैसे ही मेरा ट्रस्ट है, आप लोगों को पता ही है। तो ये शैम्पू लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब बाल अगर आपके डल है, डैमेज है, तो आप इस वाले शैम्पू को एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा है, केमिकल फ्री है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन हाँ काफी चल जाता है। और बाल अगर खराब है तो बेटर है कि वो और खराब हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा कॉस्ट लगा करके हम उसके लिए अच्छा यूज करें। तो ये वाला जो शैम्पू है वो है। उसके बाद क्योंकि जो घरेलू नुस्खे है ना वो इतना हो नहीं पाते, काफ़ी मैसी हो जाता है उन सबसे, तो मैंने अपने बालों के लिए एक जो है हेयर मास्क भी मंगवाया है। तो ये सेम लोरियल एक्सपर्ट का, लोरियल प्रोफेशनल का सीरीज एक्सपर्ट से ही है। ये है गोल्ड किनवा और प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर का हेयर मास्क। तो इस तरह से आता है ये। इसकी बहुत बहुत ही मतलब माइल्ड सी खुशबू है, इस तरह से मिलेगा आपको और ये काफ़ी चल जाता है। तो आप अपने बालों को जैसे हल्का सा गीला करके और उसके अंदर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद बालों को थोड़ा सा स्टीम दे दीजिए और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए, या आप शैम्पू करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है कि पहले करना है बाद में करना है। जैसे बालों को अगर आपने वॉश कर लिया फिर आप इसको लगा करके बालों को फिर से वॉश कर लो, उसके बाद शैम्पू नहीं करना है तो भी परफेक्ट है, या फिर आप इसको लगा करके फिर शैम्पू कर लो तो वो भी चलेगा। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो ये मंगवाया था, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इन दोनों को मेरी जो रेटिंग है 4 है out of 5। तो उसके बाद एंड ये तो है ही उसके लिए, आपके डैंड्रफ के लिए। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है हैवेल्स का हेयर ड्रायर, साइलेंट हेयर ड्रायर है ये। और इसकी जो कोड है वो काफ़ी अच्छी खासी आपको लंबे मिल जाती है, 1.6 मीटर की, 2 साल की वारंटी के साथ ये आता है। साथ में ये जो है इसकी फिक्स नोजल है, तो ये जो नोजल है वो इसकी फिक्स है, ये नहीं कि निकल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी बात लगी मुझे। और इसकी तीन सेटिंग है इसकी हीट की, तो कूल पे, वॉर्म एंड हॉट पे, तो तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। फोल्डेबल हैंडल है, तो ये आप इसको कैरी करके अपने पर्स पे डाल के इसको लेके जा सकते हैं। तो हैंगिंग लूप है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हैंग करना भी काफ़ी इजी है, मतलब इसको स्टोर करके रखना भी काफ़ी ईजी है। तो कुछ इस तरह का है, मैं आपको इसको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये हीट बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, डबल प्रोटेक्शन देता है, ओवर हीट नहीं होने देता और काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। हेल्दी ब्रीज मोड में है तो कूल आप इसको कर सकते हैं, लो हीट पे, कूल पे और जो है जो हीट वाले पे, तीन पे आप इसको कर सकते हैं। तीन मोड इसका दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इसकी मुझे अच्छी बात लगी। तो चलिए मैं इसके जो ओपनिंग है वो कर लेती हूँ। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। तो ये देखिए, मुझे इसका जो कलर है वही काफ़ी पसंद आया था। तो ये काफ़ी जो लंबी कोड है, सबसे प्रॉब्लम जो होती ना इनकी कोड ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन 1.6 मीटर के मिल रहा है, इट मीन्स अच्छी खासी जो कोड है आपको वो मिल रही है।
और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फोल्डेबल हैंडल है तो आप इसको इजी कैरी कर सकते हैं। और देखिए इसके वायर है तो मैं एक बार इसको चला के दिखाऊंगी ताकि आपको इसकी जो साउंड है वो पता चल जाएगी कितनी ज़्यादा साउंड देता है। और ये इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑफ है, ये हमारा फर्स्ट मोड है, तो ये हल्की सी ओके। तो परी मुझसे काफी दूर खड़ी है तो मैं अगर यहाँ से इसको लगा रही हूँ तो काफी मतलब जो डिस्टेंस है काफी कवर कर लेता है ये, तो मैं इसको अपने पे दिखाऊंगा अगर आपको मुझे दिखा दो, मुझे भी। अभी कर रही हूँ एक सेकंड, ये देखिए ये 1500 वोट के साथ आता है। इसका प्राइस जो है वो है 1795, बट ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिला था, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट इस पर मिल गया था मुझे। और इसका जो कलर ब्लू कलर है एंड अक्टूबर 2020 का इसका जो है मैन्युफैक्चर है, तो इस पर इसके साथ में आपको ना इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाता है, ये रहा हमारा, और 2 साल की वारंटी आपको इसके साथ मिल रही है। तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी बात ये लगी कि आप इसको काफ़ी अच्छे डिस्टेंस के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे बच्चों को अगर यूज़ करना है तो उनको बिल्कुल पास से ना करके दूर से कर सकते हो। और साउंड है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, साउंड मैंने आपको दिखा दी क्या है, तो मैं बोलूँगी कि आप इसको 100% रिकमेंडेशन है अगर आप जो है यूज़ करना चाहते हैं हेयर ड्रायर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल्स का है, इसकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो इसकी रिकमेंडेशन है 5 out of 5 है, तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू था इसके लिए जो कि हैवल्स का हेयर ड्रायर है इसके लिए, तो इसको प्लीज़ अगर आप हेयर ड्रायर बाय करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से आप इसको अगर आपको हैंग करना है तो आप इसको यहाँ से, ये लूप बना हुआ है इससे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।